से पानी बरसाए दूं। सोना है मेरे नाम का, सोना है मेरे नाम का सारे जहान में, और लोगों का छक्का छूटेगा डाकू बीरा के नाम से। भावर सिंह बा सारे, तू हमारे पेट में चाकू मारा है तो समझ ले अपने हक में छनाई किया। जब तक तो से सारे हमें के बदला ना चुका ले भाई, मेरे माई के दूध भाई हराम आ गए। अच्छा किया, अच्छा किया साले जो तुमने इनायत बढ़ा दिया, और तेरे ही कारनामों ने मुझे डाकू। ये दिल में है आग, ये दिल में आग, और बंदूक में होगी गोली। आ रहा हूं कमीने, खेलूंगा तेरे खून से होली। न तीर से, न तलवार से, न गोलिये की बौछार से लोहा सिंह डरता है तो सिर्फ अपने बुखार से। गांव वालों, मैं बहुत खतरनाक डाकू हूं। क्या कहा अभी इसके पहले? न तीर से, न तलवार से, न गोलियों की बौछार से लोहा सिंह डरता है अपने बुखार से, साले परवरदिगार से। मैं बहुत खतरनाक डाकू हूँ, यहाँ तक कि पूरे चमार घाटी में मेरा राज है। चंबल घाटी? अच्छा हाँ, चंबल घाटी में। मैं इतना खतरनाक आदमी हूँ कि मैं आगे से नहीं बल्कि पीछे से वार करता हूँ। क्यों मैं सब आगे से वार करते तो पीछे से कैसे वार करता है? यानी मैं बाद में मुठभेड़ करता हूँ। मुठभेड़? हाँ। और इतना नहीं गांव वालों, होशियारी मत करना। क्यों? क्योंकि तुम लोग चारों तरफ से गिर चुके हो। गिर चुके हो, अबे गिर चुके हो। हाँ, अपना मेन मेन सामान आगे कर दो, नहीं तो माँ भवानी की कसम एक एक को छल छला दूंगा। ये बता कौन सा मेन मेन सामान आगे करेगा? धन दौलत रुपया पैसा। और हाँ, जिसके पास धन दौलत रुपया पैसा ना हो, अपने अपने घर से आटा दाल खटाई नमक नून के साथ निकाल दो। धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी जिसके पास हो निकाल दो, यदि नहीं है तो आटा दाल चावल नमक खटाई के साथ निकाल के दे दो, भिखारी ऐसा भीख मांग रहा है। सरदार जी, खर्चा ना आएगा। अबे ते बोलो खर्चा नहीं है। अगर खर्चा नहीं तो ये मालूम होना चाहिए आज एक सेठ आने वाला है, और चलो हम लोग चलते हैं सामने जो पहाड़ी है उसी झाड़ी में छुप कर बैठेंगे, और जब इधर से गुजरेगा हम लोग उसे लूट लेंगे, अपने पास पैसा ही पैसा हो जाएगा। तो सरदार जी आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग चल कर के साथियों के साथ झाड़ी में बैठेंगे, और जब यहाँ से कोई गुजरेगा उसके ऊपर हमला कर देंगे। अच्छा चल, चलिए। जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी।
मैंने किस गुनाह की सजा दिया ऊपर वाले, मेरी नसीब किस कलम से लिखा, मेरी दुनिया उजड़ गई, मैं बेसहारा हो गई भाभी माँ। आप रो रही हो भाभी माँ, आप जब से भैया के मरने की खबर सुनी हो आप हमेशा रोती रहती हो। मत रो भाभी माँ, यदि आप इसी तरह से रोगी तो पागल हो जाओगी भाभी माँ। संदीप, अरे रोने के सिवा मेरे पास बचा ही क्या है, रोना तो मेरे नसीब में लिख उठा मुन्ना, मेरी माँ हंसी मुन्ना।
तेरी पान नैया मैं लगाऊंगा, मैं तुम्हें कमा के खिलाऊंगा भाभी माँ। का फल निभाऊंगा भाभी मुन्ना संदीप, मुझे बहुत जोर से बुखार है मुन्ना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए दवा ला दे मुन्ना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। भाभी माँ, मैं दवा लेकर आया हूँ, आप चलिए, सबसे पहले मैं आपको दवा और दूध पिलाता हूँ, आइए भाभी माँ। कौन से चाल बन रहा है तू? टेंशन बा। कैसा टेंशन तुझे हो गया?
पंडित जी बताए हैं आज हमारे तोहरे नक्षत्र में राहु केतु प्रवेश कर चुका। क्या पंडित जी ने ऐसा बताया? हाँ सही पूछा जाए आज हमारे तोहरे ऊपर शनिचर सवार बा। यानी पंडित जी ने ऐसा बताया है आज हमार बाई आंखी फरकत बा। दिशा सोल है कहूँ जाए के ना इन्हें। कोई बात है अगर पंडित जी ने बताया तो किसी दिशा में आज नहीं चलेंगे। आज हमारे तोहरे लेखे चारों दिशा दिशा सोल है तो किसी दिशा में नहीं चलेंगे आज। अगर कहूँ इमरजेंसी में जाए कोई तो पंडित जी बताए निहुरे जा सकत है। निहुरे कितने दूर जाएगा? यही नाते कहूँ ना जा। पागल हो गया ये सारी बात छोड़ कहीं नहीं चलेंगे। अपने घर में क्या हो रहा है इसे भी देख रहा है कुछ? ये देख संदीप भी धोला कमला के प्यार के चक्कर में पड़ा हुआ है देख रहा है ना ए लड़के। ए संदीप क्या बात है भंवर सिंह पेट में तेरा बच्चा पड़ रहा है और कह रहा है भाभी माँ समय अनहराई गए हम समझ ही ना पाए तुहारा खींचा एक दूसरे के। अबे सारे झगड़ा ऐसे छुड़ाया जाता मेरा पैर पकड़ कर खींच लिया मैं गिर पड़ा मेरी तो साले बेइज्जती हो गई। बतावा तुहार खिंचाई हो गई केकरे ऊपर हाथ उठावा तहा तू? अबे भंवर सिंह का चमचा लंका साले अबे तू मेरा नौकर तेरे जेब में कटी चौनी नहीं फटी जर साले। क्या है वे का तू हमका बेबे कर जहां अरे हम तो ठामे रहा। अबे ए बात बता दे। हां जेकरे ऊपर तू हाथ उठावा तहा ना हां तोहार बाप तक इज्जत करत ही नहीं इनका। तो हमार बाप इनकर इज्जत करत हुई हम ना करब। तू ना करबा नान भरे कलाऊं जी। हां इतना बड़ा है जैसे टोले खिया वफादार कुत्ता तराया। हां वफादारी से काम कर रहा हूँ। मिसाल दे। अरे मिसाल कुत्ते की भी जाती है। कुत्ता से ज्यादा वफादार के होता। पागल हो गया। अरे आवाज सुन लिया। हाँ बोलत ना ने तो का तू हमका सबके मान सेधू समझत का? अबे के तुहने मन सेधू समझता ही बा। अबे हे भंडरिया अगर तेरी माँ तुझे दूध पिलाई है तो आ इसी वक्त। अबे ताऊ की बात कर रहा है। हम तनके बर्दाश्त करी। अगर तू माई के दूध पी के आवा तहा तब है हम मेहरारू को दूध पी के आवा। निकला बाहा तू? अबे मेहरा साले ये बता तू अपनी बीवी का दूध पीता है वे कैसे पिया वे? कैसे बात करता है आ तू? अरे यादव जी हमारे खिया के लीटर दूध डेली पहुँचावा थी। आधा लीटर हम पी थी आधा लीटर हमा मेहरारुआ पिया था। आज हमारे चौहान जी खिये तेरे ही परिव न। आज हमारा मेहरारुआ वहीं चली गई पूरी बेल है। आज हम अपने मेहरारुआ वाला दूधवा पी गए। एक बार सुन लिया अगर असल मन से धू हो ले तू अब हमारे रहते हुए छुई के देखा। तू छुई के देखा
मैं कौन हूँ? अरे तू भंडारी लाल है और कौन है? इस समय मैं कहाँ हूँ? अगर ने घर में है और कहाँ है? लगता है हमारे घुस के चोट लग गए। घुस की चोट देख रहा उठा कर तुझे पटक दिया। हम तो यह कहा कि हमारा शनिचर उतर गए तोहरे उतर गए। बाबू साहब समझ रहा हूँ गहरी चोट आ गई तेरे। तभी हमको कतो बैठा देता हूँ। नहीं नहीं खड़े हो जाओ। तूने मेरे गिरेबान में हाथ लगाया है, मेरा अपमान क्या है? लेकिन याद रखना इस अपमान का बदला अगर तुझसे न चुकाया तो मेरा नाम बाबू भोर सिंह राजपूत। हैरान खोर भाई यहाँ जमाने में तेरी खोपड़ी पूरा पड़ेगी। अबे रोमन अगर दुश्मनी महंगी पड़ेगी तो मैं दुश्मनी खरीद लूंगा, तुम्हारे देख लूंगा। अबे जूता फेंक के मारूंगा, देख लूंगा। देख ले बाबा है कुछ उचारी नहीं समझता बात में तो और पीछे देख ले भा। अबे साले पीछे क्या देख लेगा भाई, भाग के मारी साले। अरे जिस बात का मुझे डर था आखिर वही हुआ। ये महासिंह मेरे ऊपर लाठी लगा के जा रहा है। मैं कहाँ मुँह दिखाऊंगी मुन्ना, मैं कहाँ मुँह दिखाऊंगी। ये भंवर सिंह हैरान खोर कुछ भी कह ले, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है कि हम दोनों का रिश्ता क्या है, देवर भाभी क्या है या माँ और बेटे का है। अच्छा भाभी माँ, अब मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं शाम 4 बजे तक आ जाऊंगा। लेकिन भाभी माँ अपनी आंखों से आंसू मत बहाना, अगर तुम रोओगी तो कॉलेज मेरा दिल नहीं लगेगा। तू तो जानता है तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है।